नमस्कार, मैं कमल कौशिक। आप देख रहे हैं खबरें अभी तक, और बात हम करने जा रहे हैं इस बुलेटिन में हरियाणा के बजट सत्र की, क्योंकि आप भी जानना चाहते होंगे कि जो बजट पेश किया गया है उस पर चर्चा तो बहुत हुई, लेकिन चर्चा विधानसभा में कैसी होगी ये बड़ा सवाल है। और इसलिए आज का जो बजट सेशन का दूसरा चरण है जो शुरू होने जा रहा है सुबह 11 बजे से, ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। इसमें आपको बारीकियां बजट के बारे में जरूर सुनने को मिलेंगी कि आखिरकार इस बजट में हरियाणा की जनता को मिला क्या है, और हमारी नज़र भी इस पर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए आपको इतना हम बता दें कि हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र को लेकर तैयारी पूरी है दूसरे चरण की। दूसरे चरण की शुरुआत आज होने जा रही है, सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। 17, 20 और 21 मार्च ये 3 तारीख याद रख लीजिए कि इसी दिन, इन्हीं 3 दिनों में बजट पर चर्चा रहने वाली है। 52 विधायकों ने भेजे हैं सवाल, ये भी स्पीकर साहब ने कल जानकारी दी। 71 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आए थे, ये स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया था। 2 काम रोको प्रस्ताव आए थे, ये भी स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया है। 2 गैर सरकारी प्रस्ताव आए हैं, सरकार की तरफ से 5 बिल प्राप्त हुए हैं, ये भी विधानसभा अध्यक्ष ने जानकारी दी है। लेकिन हम आपको बहुत साधारण शब्दों में समझाएंगे। हमारे संवाददाता अनिल मोर हमारे साथ सीधे जुड़ने जा रहे हैं। अनिल मोर, आज का जो सेशन दूसरे चरण का वो शुरू होने जा रहा है, कुछ जानकारी आपके पास है, ओवर टू यू। देखिए कमल, अब से मैं फिलहाल विधानसभा में मौजूद हूं, जो कांग्रेस के विधायक हैं पहुंचने शुरू हो चुके हैं। मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस के तमाम विधायक हैं वो यहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं, क्योंकि कांग्रेस को अपनी रणनीति बनानी है। अगर बात करें सत्ता पक्ष की, तरफ से शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर पहुँच चुके, और आप देख सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुँच चुके हैं, साथ में धर्म सिंह चोकर विधायक यहाँ पर मौजूद है। कांग्रेस अपनी रणनीति बनाएगी कि किस तरीके से सरकार को घेरना है, किस तरीके की कांग्रेस की रणनीति रहेगी। सर, कितना तैयार है दूसरे चरण के लिए आप लोग? तैयार हैं, सरकार उनकी कुछ है ही नहीं बजट में, हमारे साथी बोलेंगे सारे, और जब कंक्लूड करेंगे 22 को जब मैं बोलूँगा। सर, बड़े मुद्दे कौन कौन से रहेंगे सर? सारे मुद्दे, बेरोजगारी है, कर्जा है, कर्जे में धस गया, डेब्ट ट्रैप में फंसने जा रहा है प्रदेश। कहना कि मुद्दों की कमी नहीं है, धर्म सिंह चोकर साहब भी मौजूद है। चोकर साहब, क्या लगता है कि अब जो दूसरा चरण है, कितनी तैयार कांग्रेस सरकार को घेरने? देखो, कांग्रेस पूरी तैयारी में है बजट पे, पूरा जो बजट उनके बारे में पूरी जनता को पता है। जनता के बजट के बारे में जो खोखला बजट इनका, सब जनता सब जानती है। जो उनके वायदे हैं, जो उनको बजट तो दूर गए थे, मैनिफेस्टो में जो इनका घोषणा पत्र में थे वो वायदे नहीं पूरे कर पाए। कर्मचारी व्यापारी सब दुखी हैं सरकार से। रहेगी बजट पर तो घेरेंगे ही, कर्ज का मुद्दा खास तौर से उठेगा, क्योंकि जो आंकड़े आप लोग रखते हैं कर्ज के वो अलग है, जो सरकार रखती है आंकड़े वो अलग है। नहीं, वो तो कर्ज देखो, रिकॉर्ड को तथ्य को छुपा थोड़ा सकता है। हम तो तथ्य के द्वारा बोलेंगे, तथ्य बजट के बारे में बोलेंगे और उसका सरकार सत्ता का घेराव करेंगे। इसके अलावा और कौन से बड़े मुद्दे रहने वाले हैं? आप मुद्दों की तो गिनती नहीं है, इतने मुद्दे हैं, गिनते रहिए शाम तो पूरा समय नहीं आया, क्योंकि पूरा समय नहीं मिलता, विपक्ष को पूरा समय नहीं दिया जाता। तो इसलिए मैं आपसे, हम सभी रल मिलकर आपस में एक दूसरे के डिस्कशन करके, मीटिंग है अभी CLP की मीटिंग, हमारे विधायक दल की मीटिंग, हुड्डा साहब आ गए हैं और सभी विधायक आने वाले हैं, विस्तार विमर्श करके हर मुद्दे पर उनको घेराव करेंगे। तो शराब घोटाले का मुद्दा भी सदन में उठेगा? मुद्दे ही मुद्दे, कितना गिनवा तो काफ़ी समय लग जाएगा आपको, हर मुद्दे पर चर्चा की उन्हें अगर इजाज़त दी तो, क्योंकि इजाज़त देना दे नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, कॉल टेंशन मोशन नहीं को अलाउ कर रहे हैं, ज्वाइंट कर देते हैं 4 कॉल में, एक कॉल टेंशन मोशन कर देते हैं। तो ये देखिए कमल, कांग्रेस का कहना है कि मुद्दों की कमी नहीं है। एक तस्वीर यहाँ की भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं यहाँ पर पहुँचने शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू होगी। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तस्वीरें आप देखिए, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर मौजूद है, कांग्रेस के विधायक यहाँ पर मौजूद है, वरुण मुलाना साहब यहाँ पर मौजूद है, धर्म सिंह चोकर पहुँच चुके हैं, और भी जो विधायक हैं मलिक साहब भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जो कांग्रेस की जो बैठक है विधायक दल की यहाँ पर होगी, जो सत्ता पक्ष के जो विधायक वो भी पहुंचने शुरू हो चुके हैं। शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ऊपर पहुंच चुके हैं। वरुण मुलाना हमारे साथ मौजूद है। वरुण भाई, आज कितना तैयार है जो दूसरा चरण है, जो पहले चरण में आप लोगों के तेवर थे, इस चरण में तेवर उतने ही कड़े रहेंगे या तेवरों में थोड़ी नरमी आएगी? देखिए, हम तो जनता की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है ना, और जनता की आवाज़ पहले भी उठाई है, जनता की आवाज़ आज भी उठाएंगे। पहले गवर्नर एड्रेस पर चर्चा हुई थी, और अब ये जो दूसरा चरण है इसके अंदर बजट के ऊपर
आज से चर्चा शुरू होगी और उसमें हम जो भी हमें नज़र आया है, जो जनता को दिखाई दिया है, जो उन्होंने हमें बताया है, इनपुट्स दिए हैं, उस पर हम बात रखेंगे कि किस प्रकार से ये बजट आया है, क्या इसकी खामियां हैं। तो क्या नज़र आया है बजट में, क्योंकि जो 8 कमेटियां बनाई गई थी, कमेटियों ने भी अपना अध्ययन किया है, आप भी बड़ा स्टडी की आपने भी बजट पे, क्या नज़र आया बजट में? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि टैक्स फ्री बजट है, अच्छा बजट है, इससे बेहतर बजट हो ही नहीं सकता। देखिए, 8 समितियाँ बनाई गई थी और हम ने इस पर, जैसे आपने कहा, समीक्षा हुई, लेकिन वो जो रिपोर्ट है वो अभी टेबल होनी है आज, ठीक है ना जी। तो उससे पहले तक तो वो एक तरह की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स हैं, आज दिन में ही वो रिपोर्ट्स जो है पेश हो जाएंगी, उसके बाद आप भी पढ़ लेंगे, आपको भी पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। कर्ज की बात कर लेते हैं, क्योंकि कर्ज के जो आंकड़े आपके हैं वो अलग है, CM साहब जो आंकड़े रखते हैं वो अलग है, आंकड़े आपके ठीक है, सत्ता पक्ष के ठीक है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब से हरियाणा बना 2014 तक क्या कर्ज था और आज क्या कर्ज है, वो कई गुना बड़ा है, ठीक है। और माननीय CLP नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने तो दे दिया था ना कि हाँ भाई, ये हमारे पास डेटा है, आप इसको इसका जवाब दे दें। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था ठीक है, मैं इसके बारे में श्वेत पत्र जारी कर दूंगा, मैं बता दूंगा कि क्या है, क्या सही है और क्या नहीं। तो आज देखते हैं अगर वो लेके आते हैं कि नहीं। श्वेत पत्र की मांग करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं। जो इतना लोन चढ़े जा रहा है हमारे प्रदेश के ऊपर, उसका पता तो होना चाहिए ना जी। आपने मान लीजिए घर लिया, उस पर लोन लिया, तो आपके बच्चे जब वो उस लोन को उतारेंगे 15 साल तक 20 साल तक, तो वो पूछेंगे तो कि ये जो हम किस्त आज दे रहे हैं, ये किस चीज़ की दे रहे हैं। तो आज जनता को प्रदेश की पता ही नहीं कि ये जो इतना लोन चढ़ता जा रहा है ये किस चीज़ का है, क्योंकि जितना भी सरकार जब लोन लेती है, ऋण लेती है, वो 15 से 20 साल के लिए लेती है, वो उतारनी अगली जनरेशन ने है, उन्हें पता तो होना चाहिए। क्योंकि सत्ता पक्ष तो ठीक है, जनता कहेगी हाँ सत्ता पक्ष ने ऋण लिया था, लेकिन विपक्ष क्या कर रही थी, ये भी तो पूछेंगे। तो हमारी भी जिम्मेदारी, खड़े रहने वाले आपके, बिल्कुल वरुण मुलाना साहब ने साफ कर दिया कि किस तरीके के जो कांग्रेस के तेवर है वो रहने वाले हैं। कांग्रेस के जो तमाम विधायक है एक एक करके पहुंच रहे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि बिश्नलाल सैनी साहब पहुंच चुके हैं, इसके अलावा जो दूसरे विधायक वो भी यहाँ पर पहुंच चुके, और कहीं ना कहीं कांग्रेस तो अपनी रणनीति बनाएगी कमल। और कांग्रेस ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जो कर्ज का मुद्दा है काफी छाया रहेगा, कर्ज के मुद्दे पर सरकार को घेरा जाएगा। और बड़ी बात यहाँ पर वरुण मुलाना ने बोली है कि कर्ज के मुद्दे पर सत्ता पक्ष से श्वेत पत्र की मांग यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से आज की जाएगी, अपने आप में बड़ी बात है। और भी लगातार आप देख सकते हैं जो विधायक यहाँ पे पहुँचने शुरू हो चुके हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी थोड़ी देर में सदन में यहाँ पर पहुँच जाएंगे, क्योंकि बीजेपी JJP की भी विधायक दल की बैठक है। बीजेपी JJP की जो विधायक दल की बैठक है, जो ऊपर कमेटी रूम है, कमेटी रूम में होगी, वहाँ पर मीडिया की एंट्री नहीं है कमल, वरना वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाते। कमेटी रूम में जो बैठक वहाँ पर होनी है, वहाँ पर मीडिया की एंट्री नहीं रहेगी। और कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है वो भी अपनी रणनीति बनाएगा, और जो विपक्ष है, विपक्ष तो अपनी रणनीति अब से थोड़ी देर में बनाना शुरू कर देगा। जो विपक्ष के विधायक है, कांग्रेस के विधायक है, जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है वो थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच चुके हैं, हमसे खास बातचीत उनकी तरफ से की गई। सबसे पहले उन्होंने हमें बताया कि महंगाई का मुद्दा उठाया जाएगा, मुद्दों की कमी नहीं है, कर्ज का मुद्दा उठाया जाएगा। वरुण मुलाना ने साफ कर दिया कि कांग्रेस की तरफ से सत्ता पक्ष से कर्ज के मुद्दे पर सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की जाएगी।